इस वक्त देश आज़ादी के जश्न की तैयारियों में लगा हुआ है, क्योंकि कल भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिन मनाने वाला है। लेकिन उससे पहले आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन की पीड़ा को याद करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिन के तौर पर मनाने का फैसला कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर से ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवा देनी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिन के तौर पर अब से मनाया जाएगा।